बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 3 बज रहे हैं, हमको 3 बजे फिशिंग निकल जाना था, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी सुबह हुई है। नींद भी पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, नींद भी पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो बिलाल को फ़ोन किया तो बिलाल बोलता है अच्छा 5 मिनट 5 मिनट करके करते वो 1 घंटा ले लेगा। तो हो सकता है 4 बजे हम लोग यहाँ से निकले फिशरी। फिशरी में दो काम करने हैं, फिशरी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है और फिश की कटिंग वीडियो लेनी है। तो इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट होगा वो पहले होगा और कटिंग वाला पार्ट होगा वीडियो को एंड में होगा। और अगर अंधेरा हो गया, क्योंकि दिन छोटे चल रहे हैं, अगर अंधेरा हो गया तो हो सकता है हम फिश की कटिंग की वीडियो ना ले पाए। तो जिससे हमको फिश कटवानी है ना यार, वो काटता तो बड़ी अच्छी फिश है, मगर यार बातें बहुत करता है वो, क्योंकि हम लोग पहले उसके पास कटवा देते, काफ़ी टाइम हुआ उसके पास नहीं गए हम लोग। आमिर नाम का लड़का है, फिशरी में ही होता है। तो चले इसको शुरू कर यार, बहुत काला पतले हाँ सही बड़े से एकदम ताज़ा माल होता है ना। ओ हो भाई, फुल ज़बरदस्त माल है भाई, फुल कड़क माल, स्टील पांच पांच ही आएंगे ये, माशाल्लाह से मेरे हाथ से ही बड़ा है। ओह माशा, फिशरी इंटर हो चुके हैं और फिशरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू करते हैं। तो चले आए, माशाल्लाह से ये बड़ी बड़ी सारी किश्तियाँ हैं, ये दो दो तीन तीन महीनों की शिकार पे जाती है, बहुत बड़ी है। अगर आपको दिख नहीं रही सही तरीके से, वीडियो में थोड़ी छोटी लग रही होगी, मगर ये बहुत बड़ी बड़ी किश्तियाँ हैं सारी। देखो भाई, सांप आए हुए, सांप सारे ये किश्ती से माल उतारा है, सारे सांप आपको दिख रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। ये दो दो महीनों के बाद भी जब ये किश्तियाँ आती है ना शिकार पर से, तो कुछ ये बर्फ़ बच जाता है। दो दो महीनों तक बर्फ़ जो है ना इनमें जमा रहता है, क्योंकि नमक वगैरह लोग लगा के रखते हैं और पूरे पूरे क्या बोलते हैं लाड लाड आते हैं पूरे पूरे उसके बर्फ़ के, पूरे जो ट्रॉलर होता है ना छोटा वाला, जो तो पूरे पूरे भर के आते हैं ना, तो पूरी पूरी फुल होती है किश्तियाँ। ये देखें, ये इंजन है इसका, ये इंजन हो गया, इसमें है ना बहुत सारे अंदर सिस्टम बने होते हैं बर्फ़ रखने के, सामान रखने के, ये ऊपर इनका सोने का होता है सारा निज़ाम। ये हम लोग झींगे की मार्केट में इंटर हो रहे हैं, ये एले की मंडी कहलाती है। क्या रेट चल रहा झींगे का? झींगे रेट क्या है? टाइगर है ये? जेरा है। क्या चल रहा है इसका? माशाल्लाह कितना बड़ा झींगा है। क्या चल रहा है? 1200 रुपये किलो। इसमें कितने दाने आते हैं? इसमें 16 दाना आता है। 16 दाना आता है। और ये छोटे वाले, ये भी जेरा है? ये भी जेड़ा है? ये कलड़ी है? कराची कलड़ी है। क्या इस पे लिखा कराची कलड़ी, पता चल जाता है? ये कलर का है, कलर वो देखो गड्ढा नहीं कर। अच्छा, और ये टाइगर की कॉपी है क्या? हाँ ये टाइगर है, छोटा सा है। बताओ ये कितने किलो है भाई? ये क्या किलो है? 900 रुपये। ओह माशाल्लाह, अरे 10-15 दस पंद्रह नहीं आते भाई, पाँच पाँच ही आएंगे, ये माशाल्लाह से मेरे हाथ से ही बड़ा है। ये लॉबस्टर तो नहीं है ना? झींगा है ये? लॉबस्टर उधर है, ये झींगा है भाई, झींगा इतना बड़ा माशाल्लाह। 5 दाने आते हैं? 7 दाने। ये लॉबस्टर है, लॉबस्टर के छोटे बच्चे। अच्छा, हाथ नहीं लगा भाई, हाथ लगाने का मना कर। हाँ माशाल्लाह, ये क्या किलो है लॉबस्टर? 1500 रुपये किलो लॉबस्टर। तो भाई झींगे की मार्केट को अलविदा कर रहे हैं, अब जा रहे हैं फिश वाली मार्केट में हम लोग ना। तो झींगे की मार्केट आप देख ले, बहुत रश है माशाल्लाह से, बहुत रश है माशाल्लाह झींगे की मार्केट में। ये एले की मंडी कहलाती है, दोपहर 4 बजे लगती है मंडी। यार 4:21 तो हो गए हैं, नमाज़ पढ़ने जानी है, वो रही मस्जिद, तो तकरीबन 4:30 बजे मेरे ख्याल से जमा देना। तो फिर उसके बाद फ़िश की, कुछ मेरे दोस्त भी आए हुए, वो फ़िश की मंडी में घूम रहे हैं, तो मैंने बोला यार मैं थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना लेता हूँ, फिर नमाज़ के बाद इंशाल्लाह फ़िश की मार्केट में आपको दिखाते हैं, जो एले वाली मंडी कहलाती है। 4 बजे लगती है और 7 बजे फिनिश हो जाती है कराची फिशरी में। सारे फिश कटिंग वाले यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बैठे थे फिश कटिंग वाले, कुछ यहाँ हैं, कुछ वो मस्जिद के सामने बैठे हुए हैं, और कुछ फिशरी से बाहर भी बैठे होते हैं। यार कौन क्या किलो है दोनों का बताओ? ये तो वाइट है ना? हाँ फुल स्टील, 7.5 वाइट। और सारम क्या चल रही है? सारम 400 स्टील है, एकदम टाइट है, कड़क माल है। वापसी सुरमाई के भी रेट पूछ लेते हैं। सुरमाई 1100 रुपये। शाहिद भाई ये कोस्ट गार्ड साफी, यार इतनी महंगी
कुछ कम नहीं होंगे? जी वाइट ब्लू, वाइट ब्लू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, एकदम ताज़ा माल होता है ना। ओ हो हो भाई, फुल ज़बरदस्त माल है भाई, फुल कड़क माल स्टील। ये कोस्ट गार्ड साफ़ी है, ओह माशाल्लाह, ये भी क्या कड़क माल है, ओह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये हमने फ़िश रखी कांटे पे और इसका वज़न आया पूरे चार, ओहो डायरेक्ट चार आया, पूरा चार किलो की फ़िश है भाई, ये पूरे चार किलो की फ़िश। सारम लेनी है बिलाल भाई की, सारम है भाई, सारम का वेट किया, सारम हो रही, इसका वेट आ रहा है 4 किलो 700 ग्राम। सारम भी मिल गई है और साफ़ी भी मिल गई है, तो हम जा रहे हैं कटवाने से भाई। दो मछलियां लेके आगे जा रहे हैं, दोनों मछलियां बिलाल भाई ने हाथ में पकड़ी हुई है, अलग है पकड़ते नहीं है मछली, मगर आज पकड़ी है। नहीं कटवानी भाई, नहीं कटवानी, बाहर कटवाएंगे हम लोग। देखो यार मछलियों को यहाँ छोड़ दिया, बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक स्टार्ट करके जाते हैं बाहर कटवाने, क्योंकि उस दिन हमने यहाँ पे साफ़ी कटवाई थी ना, बहुत मोटे मोटे पीस कर दिए थे इसने साफ़ी के। और बिलाल भाई की ये सारम है, इसकी आधी इनको बोनलेस करवानी है और आधी के पीस होंगे, तो हम जा रहे बाहर, क्योंकि एक बंदा है उससे मैं पहले बहुत कटवाता था ना, तो हम लोग जब आ रहे थे ना तो मैंने उसको देख लिया, उसका नाम है आमिर, उसकी शक्ल दिखा देता, वो बहुत अच्छा काटता है यार फिश। दो बाइक बिलाल भाई, आप फिश पकड़ लो आज, आज फिश पकड़ दो, वो बोल रहे मोबाइल रख दो यार, ऐसे ही देखिए हाथ से पकड़नी पड़ेगी दोनों फिशें। अल्लाह अकबर, बहुत भारी है भाई। चल भाई बाइक पे बैठ गए भाई, फिश को लेके लटका के फिश, चलो 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 बाहर, चलो एकदम बाहर। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये सुबह यहाँ पे मार्केट लगी होती है और बहुत बड़ी मार्केट लगी होती है इस जगह पे, मगर इस वक्त कुछ भी नहीं होता भाई। यहाँ पे फिश कटवाने हम लोग आए हैं, ये पूरा बाहर का एकदम साइड होती है, तो दिखाते आगे। ये भाई बुला रहे हैं, मगर हम उसी के पास जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद थी कि अंधेरा शायद हो जाएगा, मगर अंधेरा नहीं, वो बैठ के बिरयानी खा रहा है। वो देखो वो आमिर साहब, आज हमने कहा आमिर की वीडियो लेंगे हम, ले ले आमिर, मसला तो नहीं है कोई। आमिर साहब अच्छा, चलो आप खा लो फिर मछली काटो आप। नहीं नहीं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई, हमारे आमिर भाई, इनकी आप शक्ल देख लो, बहुत वीआईपी काटते हैं। किस तरह कटवानी है बिलाल सारम, आपको फिश की भी पूरी वीडियो दिखाते हैं ना। दुम वाला फिंगर होगा, पीस होगा आमिर, दुम वाला फिंगर होगा और ये ऊपर वाला जो है वो पीस होगा। आमिर कड़क माल एकदम फ्रेश माल है ना एकदम। थैली भाई दे रहे हैं भाई के पास से पकड़ लो। ये फिंगर करने के लिए छुरी निकाली उन्होंने, बड़ी तेज छुरी होती है और बड़ी पतली छुरी होती है ये वाली, टेक्निक चेक करो माशाल्लाह। ओहो कुछ भी नहीं छोड़े ना कांटों के साथ, पूरा एकदम सफाई के साथ निकाल रही है। हाँ भाई हाँ, थैली छोटी लेनी है, पांच पांच वाली उठा लो, चार थैलियाँ, पांच पांच वाली चार थैलियाँ उठा लो। ये अलग हो गया पूरा ही पीस, ये कहाँ से आया भाई? अच्छा ऊपर से आया। सारा फिंगर है? दो तरह फिंगर बना, ये मछली ना एक ही दाने का बना है ना, ये इसका बना, ये पड़े हुए है फिंगर ना, अब इसका चमड़ा निकलेगा नीचे से, कांटे भी निकलेंगे आमिर? कांटा इसका नहीं, अच्छा कांटा नहीं है, ये अलग पूरा ही हो गया, ये पूरा ही पीस अलग हो गया भाई। अब ये पीस बनेंगे इसके,
तकरीबन 12 साल होगा मुझे यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मुझे अभी तक खाया नहीं है ये यहाँ। अभी भी अटा टीम है अरे ये उसका जोड़ीदार है। मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ ताकि ये पीस होते दिखे सही तरीके से। VIP हां इन्हें के मुझे में बस सुबह नहीं जानी पहले के मैंने मना करो मैं इस यही बेहतर है मेरे ख्याल से। हां वे उसको न मिलो मना करो एकदम खूबसूरत पीस 1-1 इंच के। शाहनवाज के बिल्डिंग के पास शामीर का बिल्डिंग मैडम अरे नीकू किधर है तुम किधर है हमारे एक गली का उस्ताद फर्क है ना मेरा भाई तुम पीछे ना एक गली हाँ मेरे से गली आगे इलाका तो यही है अभी ये तो कुछ उस्ताद रिश्ते का लाला जान माँ माणीपुरा हम जब यूएन में क्लिंट्री करते थे ना ये कमेला अली और मुसरे जाई और बगदाड़ी और करा था ये हाय तुम्हारा वीडियो बन रहा है बनने दो मच्छी वाला कंडक्टर लोगों का पता नहीं क्या क्या बन रहा मां का शुक्र है फिर भी वीडियो बन रहा है आपने पाकिस्तान में सब कटाई वाले देखे हैं ऐसा नहीं देखा कैसा ये फिश है इसको रिंजी बोलते हैं यहाँ पे ना तो ये दिखाते यार इसमें यहाँ पे कहाँ वो होता है जहर वगैरह इसमें होता है ना कहीं लगता है ना इसमें जहर है ये कांटे में ना इस कांटे में जो है ना इस कांटे में जहर होता है तो रिंजी फिश मैंने अभी आपको दिखाई जिसका पीछे कांटे में जहर वगैरह होता है ये एक बार पहले मेरे को लगा था लगते के साथ ही निकल गया फिर उन लोगों ने खून दबा के खून निकाला और वहाँ पे वो जला दिया था ना
तो इसका जायका माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। और आपको एक छोटा सा व्यू दिखाते हैं फिशरी का, ये तकरीबन फिशरी का व्यू है और यहाँ नहीं दिखा रहे, इसके नीचे थोड़ा सा कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो बस यही फिशरी का व्यू है। माल महंगा है, अल्लाह मालिक है, अगले इतवार को आना डबल मिलेगा। हाँ यही होना चाहिए, वापिस कर वापिस कर। थोड़ा छोटा लिया था सही आ जाए, ये छोटा ही था सबसे। पतला अमीर, हाँ सही अमीर, वो निकाल देता ना गन बीच का। अच्छा नहीं, काफी पतले कर दी, कटने मुश्किल। इसका ये हड्डी नहीं है, हाँ गोश्त से अलग है ना, ये गोश्त से अलग है हड्डी, पतले का मसला नहीं। हाँ वल्लू वल्लू ना ना, मेरा मेहमान है, इसको जो है ना जापान पहुँचाना था। ऐसा क्यों यार, वेरी वेरी सॉरी, मारते नहीं तो स्टार खराब कर देंगे। आते ये डाल के दो यार, मिला क्या आजा थैली, ये मच्छी का दिल है और तुम चूहे का बिल है। हाल ऐसा लग रहा है, आंख निकाल देना, आंख निकालेगा गुटी खेलेगा, आंख निकाल देना, खेले आंख बाहर आ जाए। मच्छी की आंख के निकालने के बाद मच्छी का तारा खूबसूरती खराब हो जाता है, याद रखो। आप लोग को बोलता हूँ ऐसे नहीं करो, उंगली कट जाएगा। दो पीस कर देना बस, ये पूरा जाने दो। हमारा फिशरी का यहाँ पे ब्लॉग होता है खत्म। जो हम लोगों को साफी चाहिए थी वो भी मिल गई, और सारम बिलाल भाई को चाहिए थी तो वो भी मिल गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में जरूर याद रखना। ये सामने नहीं देख सकता अपने आप को, नहीं देख सकता हूँ, हालात सही नहीं है, कंडीशन खराब है, बहुत काला लग रहा है। इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे, दुआओं में याद रखना सब भाइयों से। अस्सलाम वालेकुम।